जिंदगी में कोई उम्र ऐसी नहीं होती है जबकि आदमी और औरत कुछ सीख नहीं सकते। आप अभी देखेंगे कि इस उम्र में भी ताई ने कोशिश करके पढ़ना लिखना सीखा तो आज उनको कितनी सुविधा हो गई है। वो आज अपना हिसाब किताब खुद कितनी अच्छी तरह रख सकती हैं। एक बीसी, दो बीसी, एक दो तीन चार, वर्मा जी के दो बीसी ऊपर चार। अरे दीदी, ये दूध के पैसे क्या हिसाब से लाए हो? वर्मा जी के हिसाब में 10 रुपए बिल्कुल कम दिखे। मैं क्या जानू जी, ओहो, दो लकीरें मिट गई दिखे, उनने इतने ही दिए। इतनी बुढ़ी हो गई दीदी, फिर भी छोटा सा हिसाब जोड़ना ना आया। हर महीने 10 रुपए की जूत पढ़वा ही देती हो। दादाजी, दादी जी। अरे मुन्ना आया है। दादाजी प्रणाम। जीते रहो। दादी माँ प्रणाम। जीते रहो बेटा। अरे मुन्ना कैसे हो? ठीक हूँ दादी। घर में सब ठीक ठाक है? हाँ। और तुम्हारी छुट्टी पड़ गई दिखे? हाँ दादी। अच्छा बेटा, तुम मुँह हाथ धो ले, कुछ खा पी ले, मैं काम पे जाके आता हूँ। एक बात कहूं दादी, तू पढ़ना लिखना सीख जा। हमेशा तेरे दूध का हिसाब गलत होता है और दादाजी तुझ पे नाराज होते हैं। छोड़ पड़े, उसके तो जन्म से ही आदत है। इस बार मैं नहीं मानूंगा। देख, हम ऐसा करते हैं, दादाजी को नहीं बताएंगे और छुट्टियां खत्म होने से पहले मैं तुझे हिसाब में पक्का बना दूंगा। हाथ नहीं गोड़ रहे? नहीं दादी, मान जाओ ना मेरी अच्छी दादी, मान जाओ ना। तीन चार चार, पांच पांच, छः छः, सात सात, आठ आठ, नौ दस दस, पांच इसे ऊपर अच्छा, से सीधा बनाओ। छः सात आठ नौ दस, ला ला में आ की मात्रा ला, छः अब तो ठीक है ना, सात आठ नौ ठीक है, श्री वर्मा नहीं रा ऊपर लगाओ। के बाद से आजकल दादी पोते में घनी बन रही है, छोरा घर से बाहर ही नहीं जाता। हे राम, ला देखो तो दूध का हिसाब इस महीने में
क्या गड़बड़ी करी है? माजरा क्या है? दीवार की सारी लकीरें फोड़ डाली, अब हिसाब कैसे होगा? यहाँ ले, चिल्लाता क्यों है? ये कागज पत्र के है? बस इतनी अकल है? ला, अच्छा सुनो, श्री हरचंद जी का बिल 3 रुपए के हिसाब से 30 किलो दूध का 90 रुपए, भूल चूक लेनी देनी हस्ताक्षर शीला देवी, आप समझे ना? मान गए दीदी, तू तो 4 कदम आगे निकली, अब तो मेरे गल्ले का हिसाब भी तुझसे करवाऊंगा। ना ये बिटवा पीछे पड़ता, ना मैं कुछ सीख पाती। दादी अब मुझे एक वचन दे, मेरे जाने के बाद तू मुझे अपने हाथों से चिट्ठी लिखेगी। अरे वाह पट्टे, जो बात सारी जिंदगी मेरे दिमाग में ना आई तूने महीने भर में कर दिखाई। दादी को अपने दूध का हिसाब किताब रखने में अनपढ़ होने के कारण बहुत दिक्कत आ रही थी, तो उन्होंने अपने ही पोते को अपना गुरु बना लिया। पढ़ना लिखना सीखने के लिए कोई भी उम्र बहुत अधिक नहीं है, पर यह तभी संभव हो सकता है जब हमारे आंखों की रोशनी ठीक हो। कई बार देखा गया है कि बहुत छोटी उम्र में ही बच्चों को, खास करके ग्रामीण इलाकों में, तरह तरह की बीमारियां हो जाती है। कई बार यह बीमारियां सावधानी न बरतने के कारण होती है और कई बार यह बीमारियां जानकारी न होने के कारण होती है। पर अगर पूरी पूरी जानकारी हो और पूरी पूरी सावधानी बरती जाए तो कोई कारण नहीं है कि इतनी कम उम्र में छोटे छोटे बच्चों को आंखों की तरह तरह की बीमारियां हों। आइए आज हम डॉक्टर गुप्ता से पूछें कि किस तरह से ग्रामीण इलाके में माताएं अपने बच्चों की आंखों का देखभाल ठीक से रख सकती हैं ताकि उनकी आंखें स्वस्थ रहें। बच्चों की आंखें खराब होने के मुख्यतः 3 कारण हैं। आंखें दुखने आना, आंखों में चोट लगना और आहार में निगाह के लिए आवश्यक पौष्टिक तत्व की कमी। रोहे में और आंखें दुखना दोनों ही एक छूत की बीमारी हैं। अगर इनका समय के ऊपर उपचार न करा गया तो आंखों में सफेदी आ जाती है और कभी कभी आंखों में जख्म होकर निगाह हमेशा के लिए चली जाती है। ये रोगी आंख से स्वच्छ आंख पर कैसे जाता है? ये जैसे आपने देखा होगा कि जब बच्चा रोता है तो बच्चे को माँ उठा के अपने पल्लू से उसका मुंह भी पहुँचती है और अपना मुंह भी या दूसरे बच्चे का भी मुंह उसी पल्लू से पहुँचती है। आँख में अगर रोग के कीटाणु हैं तो वो स्वच्छ आँख में पहुँच जा सकते हैं। गाँव में प्रथा है काजल या सुरमा लगाने की। अब काजल सुरमा लगाना ठीक है लेकिन निगाह के लिए कोई लाभप्रद नहीं है, ये एक श्रृंगार का साधन है। फिर इसका जो लगाने की विधि है ये गलत है। हम एक ही उंगली से या एक ही सलाई से एक से ज़्यादा बच्चों के लगा देते हैं बिना उंगली को सलाई को साफ करे हुए। अगर लगाना ही है तो हमें चाहिए कि हम उंगली को या सलाई को साफ पानी से धोएं, उसके बाद एक बच्चे के लगाएंगे तब धोकर फिर दूसरे बच्चे के लगाएं और इस तरह से हम इसकी आँख दुखने की को कम कर सकते हैं। रोक तो बिल्कुल नहीं सकते, कम कर सकते हैं, परंतु अगर आँख दुखने आ जाए तो क्या करना चाहिए? पहले तो डॉक्टर की सलाह लेना आवश्यक है, लेकिन डॉक्टर की सलाह लेने से पहले अगर हम आँखों को साफ पानी से धोएं या अपने चेहरे को साफ रखें जिससे मक्खी ना बैठने पाए तो ये रोग होने की संभावना कम होती है। दूसरा कारण मैंने बताया चोट लगना। कुछ बच्चे ऐसा खेल खेलते हैं जैसे तीर कमान या गिल्ली डंडा, उससे आंखों को चोट पहुंचती है। चोट कई कारणों से पहुंच सकती है, जैसे होली पर गुब्बारे फेंकना या दिवाली के ऊपर आतिशबाजी चलाना या सूर्य ग्रहण देखना, लेकिन ये सब हमारी लापरवाही की वजह से होता है। अगर हम थोड़ी सी भी सावधानी बरतें तो बच्चों की आँखों को चोट से बचा सकते हैं और चोट के बचाने से हम उनकी दृष्टि की सुरक्षा कर सकते हैं। तीसरा कारण मैंने बताया
आहार में आवश्यक तत्व दैट विटामिन ए की आवश्यकता। विटामिन ए माँ के दूध में बहुत अधिक होता है। बच्चों को शुरू में आरंभ में विटामिन ए जो है वो माँ के दूध से मिलता है और माँ को चाहिए कि वो दूध जब तक पिलाए जब तक वो पिला सके। लेकिन उसके लिए ये भी आवश्यक है कि गर्भावस्था में माँ भोजन ऐसा करे जिसमें विटामिन ए काफ़ी मात्रा में हो, जिससे कि जब वो बच्चे को दूध पिलाए तो उसके अंदर विटामिन ए हो। फिर जब बच्चा बड़ा होता है तो उसको हम विटामिन ए हरी पीली सब्जियां, साग सब्जी जैसे चौलाई का साग है, बथुआ है, पालक है, सरसों का साग है, मेथी है, चने का साग है, मूली, इससे दे सकते हैं। गाजर, टमाटर, इनके अंदर भी विटामिन ए बहुत काफ़ी होता है। अगर हम थोड़ी सी भी सावधानी बरतें, लापरवाही ना करें, हम बच्चे की आँखों की सुरक्षा कर सकते हैं। पर साथ में इस बात का भी ध्यान रखें कि अगर आँख में कोई रोग हो जाए तो तुरंत डॉक्टर की सलाह लें, रोग को बढ़ने न दें, जैसे कि समय पर इलाज होने से उसकी निगाह की हम सुरक्षा कर सकें। जब वो गढ़वाल की औरतें बिल्कुल ऐसे लगती हैं पहले की कुछ नहीं है, जिस टाइम शुरू होंगी तो बस कुछ नहीं डरती हैं। एक बहन है ना, वो भागवत कथा करती है, बोलती थी कि गढ़वाली औरतें खूब लड़ाकू होती हैं। मैंने कहा हमारा काम ही लड़ने का है, नहीं लड़ेंगे तो हम खा नहीं सकते। चुपचाप से रह के मैंने बहुत देखा है, पहले तो बहुत चुपचाप से रह के था, बिना चुप बोलने से कोई नहीं देता। माँ भी दूध नहीं देते बच्चे को, तो हर कौन देगा बिना रोए बिना। गढ़वाल के इन पहाड़ों पर रहने वाली औरतें रोजमर्रा जिंदगी की कठिनाइयां उठाते उठाते संघर्ष का मतलब खूब समझती हैं। पलास गांव की औरतें भी ऐसी ही स्थिति में हैं। इनकी खेतों के बीच चूना पत्थर की खाने पाई जाती हैं। पिछले साल इन खानों को ठेके पे दे दिया गया। प्रधान जी ने कहा ठेका सिर्फ नदी में पड़े छोटे छोटे पत्थरों को ही उठाने का है, लेकिन ठेकेदार आए और पहाड़ की बड़ी बड़ी चट्टानों को भी सुरंग लगाकर उजाड़ने लगे। किस प्रकार ये पत्थर खेतों को संभाले हुए हैं, मछलियों के पनपने के लिए बांध का काम करते हैं, नदी को गहरा होने से बचाते हैं, सिर्फ ये औरतें ही समझती। पत्थर चले जाने से उनके खेत ही नहीं उजड़ते बल्कि उनकी जिंदगी भी खतरे में पड़ जाती। इसीलिए सब औरतों ने मिलकर ठेकेदार का सीधा मुकाबला किया। शुरू से ये छेद बता दो आप। तीसरी है अच्छा और चौथी वो सुरंग से तो टूटा है ना, और वो भी टूटा है उधर से, वो उनके मुंह में आगे है जो पत्थर वो निकला है उधर से। ये पत्थर है टूटा, ये पत्थर टूटना था, सब पत्थर टूटना था, पत्थर सारे के ये ऊपर के खेत सब नीचे आ जाता। उन्हें था नीचे कैसे जाओ, जब ये पत्थर टूट जाएगा तो नीचे कैसे नहीं आएगा। अरे पानी का रहेगा था, पानी और नीचे चले जाएंगे, कैसे नहीं जाने वो नीचे का, कैसे नहीं जाने वो नीचे। देखा कितनी सुरंगे लगाकर ठेकेदारों ने पत्थर तोड़े। ये हजारों की कोर है जो तो दोनों तरफ चलते है, यही तो चलते है, सूबी नदी नदी को पानी गाँव चलते है, और यही चलते है क्यारी मांग। हजारों की कोर है जो बिल्कुल नुकसान था, टूट जाते है तो पानी तो टिकता नहीं, हम ना पत्थर नहीं देने को पता है, हमारी जिंदगी चौड़ाने पर हम पत्थर नहीं देना तोड़ना पता है ना। यहाँ से सुरंग छुटेगी तो वहाँ से जो एक स्कूल पांचों को है कन्या पार्सल
और ये इसके स्कूल दसों का है तो कथरा बचा हुआ है वो तो सब खत्म नहीं होते जब ये गन काट लगते है वहाँ पत्थर चलते तो बच्चे तो खत्म होते है दोबारा है। स्कूल में बच्चे मर जाते, सिंचाई की नालियाँ टूट जाती, आखिर औरतें इन पत्थरों पर ही जमकर बैठ गई। इस जगह पे आके बैठ गए बैठी थी उनके सारे औजार फेंक दिए और औरतें सब यहाँ के बैठ गई। एक करो तुम सो रंग कैसे करेंगे यार कैसे वक्त गिर तुम दे बैठ हम सीधा बैठ गए सब कैसे सही बैठ गए की बस ऐसे सब औरतें सब बैठे तो भगा दिया उनको डरा के बस भगा दे सारे भगी गए था हम सीधा बैठ गया उन बोले हम दिन रात एक काट रहे जान ही नहीं तुम फड़ा सही पत्थर वो पत्थर वाल तब मसूर चल गए ठेर फंडा तब उन बाहर लड़े झगड़ा मार गए कुछ नहीं करे सुई की बोल गई हम कुछ बोले कि चाले कदा न आज न हूं ना मार गए कुछ बात नहीं करी बस बहू काम बंदे जो है दिन जन्म गये तो ये थाना यहाँ कही तब जो बड़े डबल जलूस हुए ना वो दिन बहुत दूर दूर का आये दूर दूर के गांव के लोग आए थे गांव के लोग भी आए न पर तुम्हारे दगड़े भी आए दिल्ली बेटे का आए दिल्ली बेटे का और ये भिलगड़ा बेटे का मसूरी बेटे का जाओ जाओ बेटे का पर नीचे नीचे के तो खेत सब खराब हो जाते ये खत्म सारा खत्म क्यों खत्म हो जाते तो वो ना जब नाट हो जाए तो खत्म कैसे पानी कैसे जाएगा पानी जाने की मुश्किल थी बहुत थी जब वो नार टूट जाएगा ना तो जब नार हो तो पक्की नार बने और जब टूट जाने ना तो पान का नहीं जानता वो तो तब खेती नहीं स्टार्ट गाँव क्यारी सब खत्म है सब खत्म नार टूट जाती तो सब क्यारी खत्म हो जाती तब पत्थरों के साथ सिंचाई की नाली भी टूट जाती फिर खेत क्या बचते तू सिखाएगी मुझे मैं आप भी जुलूस में गए जुलूस किस बात के लिए निकाला था कि हमारा वहाँ खेत दबे था दबदा था ना जब पत्थर फोड़ता था ना तो हमारा जो पानी था क्यारी में पानी नहीं जाता था और तब पानी कहाँ से जाते जब पत्थर फूटेगा पत्थर फूट जाएगा तो पानी नहीं जा सकता था तब जलूस निकाली तब हमारा चेहरा हमारा खेत बच गया हमारा सुविधा हो गया और क्या नुकसान होता और भी कुछ नुकसान और नुकसान ऐसे होती है लड़की कि कोई हमारा जिम्मेदार लोग काम धंधा करने में जाती है कोई पत्थर आ जाएगा कोई बच्चा मर जाएगा कोई धन पशु मर जाएगा तो और अच्छा तो नहीं लगती नहीं है अपनी सामने और हमारी जब हमारे खान वाले जिम्मेदार है तो हमारो जब खेत दब जाएगा तो खाएगा कहाँ से हम और क्या है जुलूस में गए थे आप क्या बोले थे जुलूस में अरे क्या बोले लड़की जब हमारा सब गोरे न है तो बोलता क्या है नहीं नहीं तो भी कुछ तो ना वो उसने बोले कि नारा लगाओ तो जब जानती न है तब क्या है तो कुछ लगाया तो था कुछ नहीं लगाया लड़की नारा ढोल नगाड़े बजाए थे हाँ ढोल नगाड़ा जरूर था ढोल नगाड़ा था और औरतें साथ साथ गई थी तो कुछ बोली तो जैसे लड़का बोलेगा जैसे जरूरत वाला बोलेगा वैसे अपने दिल में गुन 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 करते रहे क्या करे गुन 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 बता दो दादी क्या क्या गुन गुन करे हम यार बोली वो तो समझ में आई नहीं कुछ ना बोली तो समझ में आ रही है नागनी की धार बचाओ पलाश की सार बचाओ आदरम की कुर बचाओ और नागरी का स्कूल बचाओ पलाश की सार बचाओ नागरी की धार बचाओ पलाश की सार बचाओ सार बचाओ खेत बचाओ और नागरी वाले धार बचाओ आज हिमालय जागेगा पत्थर वाला भागेगा 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 बचाओ नागरी का स्कूल बचाओ।